उदयपुर ज़िले के पानरवा क्षेत्र में टिलेश्वर महादेव मंदिर पर श्रावण मास के तीसरे सोमवार को 6 क्विंटल दूध से बनाई गई खीर और प्रसादी के रूप में सभी भक्तों को दी जा रही। यहां 21 वर्ष से यह कार्य चल रहा है। महादेव इस पानरवा की धरती पे बहुत बड़े प्राचीन स्थान है। यहाँ पर बहुत बड़ी प्राचीन महाजगदम्बा की दृश्य यहाँ पूजा होती है। वर्षों सदियों से पूजा राणा के टाइम से यहाँ के जो लोग बुजुर्ग लोग हैं वो जो महिमा बताते हैं कि टिलेश्वर महादेव यहाँ से महाराणा पूजारा को तिलक हुआ था, इसलिए टिलेश्वर महादेव यहाँ से कहते हैं। और हर श्रावण के मास में सोमवार को यहाँ पर 4 से 5 क्विंटल की खीर बनती है। उसके लिए भगवान और प्राण प्रतिष्ठा 1.25 लाख बिल पत्र चढ़ते हैं 1.25 महीना, फिर उसकी अखंड जोत रहती है। उसके बाद में इनके यहाँ भादवा की चौथ के दिन यहाँ जागरण रहता है और पंचमी के दिन यहाँ 8 से 10 बोरी का चूरमा बनता है और आसपास की 10,000 पर जनता बच्चे सभी मिल करके इसकी श्रावण की पूर्णावति की जाती है। ये इस साल हमारा 21वां साल है। त्रिलेश्वर भगवान की जय। ये करने का महत्व ऐसा है खीर पिलाने का और ये सब कराने का कि हमारे सनातन धर्म में अंदर जागृत रहे, हिंदू जागृति रहे और हमारा देश का विकास हो और धर्म की विकास हो। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर हमारा बहुत हृदय पूर्वक से मेरे को भी 108 आश्रम बनाया है, उसमें लास्ट आश्रम टिलेश्वर महादेव है। टिलेश्वर महादेव मुक्ति धाम इसलिए, और लोग हरिद्वार में जाते हैं फूल गोलने के लिए, तो हमारे इस क्षेत्र से सब गुजरात के दोनों स्टेट के आसपास से यहाँ फूल गोलने आते हैं। तो हरिद्वार में जिस तरह से भगवान घाट पे शिव जी की मूर्ति है, तो यहाँ पर अपन बहुत बड़े 51 फुट की शिव जी की मूर्ति बनाने की हम प्रयास कर रहे हैं और बन रही है। और दूर दूर से लोग यात्रा यहाँ आते हैं, सबकी मनोकामना कार्य सफल हो। इस बदल में मैं भी गुरुदेव की असीम कृपा से, टिलेश्वर महादेव की असीम कृपा से, सभी जनता से, सभी भाई बहनों से कहता हूँ कि ये जीवन के अंदर अभी बच्चे हमारे खीर पिलाते हैं, तो ये बच्चे क्या पता 20 साल बाद में कोई मंत्री बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बड़ा अधिकारी बनेगा। तो 20 साल बाद में हमारी ये जैसे बैंक में तुम्हारी FD होती है, जिस तरह हमारे संतों की ये FD है कि आज से 20 साल बाद में ये कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई देश का कोई बड़ा अधिकारी बनेगा, तो ज़रूर इस देश हमारा इस आश्रम का और इस देश का विकास के लिए हम संतों की ये इतनी भावना है कि जदा सराय परम पर सनातन धर्म की जागृति रहे। ये हमारा संतों का धर्म कर्म है। सद्गुरु देव की जय।